हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम को याद करने की शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, कल आम पानी में पका, कल आम पानी में पका। ओके, कल से कालाजार, आम से अमीबी पेचिस, पा से पायरिया, नी से निद्रा रोग, में से मलेरिया ज्वर और पका से पेचिस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कल आम पानी में पका। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की शॉर्ट ट्रिक्स है। कल से कालाजार, आम से अमीबी पेचिस, पा से पायरिया, नी से निद्रा रोग, में से मलेरिया ज्वर और पका से, पका में प है जो उसका शब्द है, पेचिस। अब हम देखेंगे न्यूटन की गति के नियम को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो हमेशा पूछा जाता है न्यूटन के तीन नियम में न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है, न्यूटन का द्वितीय नियम कौन सा है और न्यूटन का तृतीय नियम कौन सा है। तो इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, जड़ से क्रिया। जड़ से क्रिया, जड़ पहला नंबर, से दूसरा नंबर और क्रिया से तीसरा नंबर। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम, जहाँ पे नंबर वन लिखा है, न्यूटन का प्रथम नियम है जड़ का, जड़ मतलब जड़त्व का नियम। स से है संवेग का नियम, स दूसरा नंबर, ओके, संवेग का नियम। क्रिया तीसरे नंबर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहले नंबर पे जड़ लिखा है इसलिए न्यूटन का प्रथम नियम हुआ जड़त्व का नियम। दूसरा नंबर पे से लिखा है इसलिए न्यूटन का द्वितीय नियम हुआ संवेग का नियम। और तीसरे नंबर पे क्रिया लिखा हुआ है इसलिए न्यूटन का थर्ड नियम हुआ क्रिया प्रतिक्रिया नियम। हमारी थर्ड शॉर्ट ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, इन्हें कैसे याद रखना है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। अब हम ये देखेंगे, ईंट पर नाच। शॉर्ट ट्रिक है ईंट पर नाच। तो ईंट, ईंट शब्द में ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और ट शब्द का मतलब है टॉमसन। ईंट पर नाच, ठीक है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन। पर में प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं टॉमसन। और नाच, नाच क्या, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं चैडविक। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं टॉमसन, पर प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड, नाच न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं चैडविक। तो ये थे हमारी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।